हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुधांशु जी, एग्जिट पोल की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश से की है, आप आगे दिखाई दे रहे हैं लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, अभी केवल आधी सीटों की चर्चा हमने की है। देखिए, आपका एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके अनुसार वो नजदीकी दिखा रहा है, परंतु हमारा ये मानना है कि जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश होगा। एक मैं और फैक्टर कहना चाहता हूँ, चूंकि हिमाचल बहुत छोटा राज्य होता है, छोटे राज्यों में कई बार हार जीत का मार्जिन बहुत छोटा होता है, या जो क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट है उसमें ये कहना बहुत मुश्किल हो पाता है कि 1000-2000 वोट के चेंज से भी, जो उत्तराखंड में भी होता था वो परिस्थिति हिमाचल में भी रहती है। आप याद करिए, उत्तराखंड के समय में भी बहुत क्लोज दिखाया जा रहा था परंतु अंत में हमारे पक्ष में आया था। या मैं एक और बात कहूंगा, अगर स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% का मान लें और वो हमारे खिलाफ चला जाता है तो कांग्रेस आगे दिख रही है, परंतु यदि वो हमारे पक्ष में आता है तो हमारे और कांग्रेस के बीच में भारी अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि हमें अंतिम परिणाम तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम आपका जो सर्वे है उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि अभी जो हमारी मामूली बढ़त दिख रही है वो निर्णायक बढ़त में तब्दील हो। ठीक है, अतुल जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि पहला आंकड़ा हमने रख दिया है, बहुत क्लोज फाइट यहां पर नजर आ रही है। अतुल जी, ये माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में आप क्लीन स्वीप कर देंगे, अतुल जी के पास जाएंगे, शायद संपर्क उनसे टूटा है, लेकिन तमाम बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लें। लेकिन अब अगला आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि स्विन कितना हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 15 से 19 सीटें मिलेंगी, -4, यानी कि नुकसान यहां पर बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस गेनिंग सिचुएशन में है, 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, +5 सीटें यहां पर कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1, यानी कि -1 सीट यहां पर हो रही है। गेनिंग सिचुएशन में जरूर है यहां पर कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए भी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। अपर हिमाचल की कम से कम अगर हम बात कर लें तो 34 सीटें, और 34 में से 15 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, कांग्रेस 14 से 18 सीटें हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, और अन्य की बात करें तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। और अब कुछ वीआईपी सीटों का जिक्र कर लेते हैं, जो खास सीटें हैं जहां पर स्टार उम्मीदवार हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट से, सिराज की सीट है, यहां से जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी यहीं से लड़ते आए हैं और वो अपने क्षेत्र में चुनाव में बेहतर कर रहे हैं और उसे आगे हमें वो दिखाई दिए हैं, तो ये सीट वो निकाल सकते हैं, ऐसा इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में हमें अनुमान लग रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जहां तक उनकी अपनी सीट का सवाल है तो वहां पर उनको बहुत चुनौती जो है वो पेश नहीं आ रही है और अपनी सीट मुख्यमंत्री निकाल सकते हैं। तो ये सिराज सीट का जो आंकलन है वो आपके सामने है हमारे एग्जिट पोल का। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सिराज की सीट से आगे हमें दिखाई देते हैं, अपनी सीट वो निकाल सकते हैं, एग्जिट पोल में हमें ये पता लगा। और इसके अलावा और कई वीआईपी सीट्स हैं, उनकी चर्चा भी आपके सामने होगी। लेकिन एग्जिट पोल का जो है, दो बातें बड़ी बातें कि एक बोट शहर में बीजेपी आगे है 1% से, अपर हिमाचल में भी 1 सीट 34 में से ज़्यादा वो कांग्रेस पार्टी से हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी को इस रीजन में कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो अपनी सीट पर हमें कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपने कहा कि जब नतीजे आएंगे 8 को तो ये दिखेगा कि आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ थे, और ये बात आपकी ठीक है कि उत्तराखंड में भी ये माना गया था कि एक बार फिर सरकार पलटेगी जैसा हमेशा होता आया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल में भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसके पेंशन के मुद्दे, उसके जो रोजगार की गारंटी दी गई है, सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है, वो काम जरूर करेगी। देखिए, वैसे तो चुनाव समाप्त हो गए, अब ये दावे प्रति दावे और जो इनका विषय यहां पर, अब कांग्रेस को चर्चा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर करें तो हम बहुत स्पष्ट से कहना चाहते हैं कि भाई, कितने राज्यों में आपने पेंशन स्कीम लागू कर दी? जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी हमने नोटिफाई किया, अभी किया नहीं। अच्छा बताइए, इससे पहले पंजाब में रहे इतने लंबे समय, कर दिया? उससे पहले कर्नाटक में रहे, कर दिया? 2003 में पेंशन स्कीम में बदलाव हुआ था जिसका प्रॉपर रेटिफिकेशन मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ। 2004 से 14 कितने राज्यों में कर दिया? केंद्र में भी आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी। इसलिए जनता को यह बात पता है कि यह परिस्थिति के अनुसार केवल
वातावरण बनाने के लिए बात कही गई है, उनका जो आचरण है पिछले करीब 15-16 वर्षों का, जब से ये स्कीम में बदलाव आया था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जिस पर भरोसा किया जा सके। अच्छा चलिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी की बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए, वोट पड़ चुका है तो, लेकिन मैं एक विषय जो दूसरा है वो है आपसे जुड़ा हुआ, आपके अपने बागियों का विषय, और गुजरात से ज्यादा बताया जा रहा था कि इसका नुकसान आपको हिमाचल प्रदेश में होगा, बहुत सारे बागी थे जो मैदान में नजर आए थे, उस पर मैं आता हूँ आपके पास सुधांशु जी, पहले मैं अगला आंकड़ा रख दूं सामने फिर मैं आता हूँ। हिमाचल प्रदेश की एक और वीआईपी सीट शिमला ग्रामीण, विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट से, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, वो शिमला ग्रामीण की अपनी सीट पर लीड करेंगे, ये हमारा अनुमान है। और अगली सीट भी आपके सामने रख देते हैं, राजधानी शिमला में किसका परचम लहराएगा, तो बीजेपी यहां से आगे निकलती हुई नजर आ रही है, संजय सूद जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे वो आगे निकलेंगे, यानी कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराएंगे और शिमला सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाएगी। संजय सूद की अगर बात करें तो देखिए, चाय की दुकान चलाते हैं, हिमाचल प्रदेश में चाय वाला के नाम से मशहूर है संजय सूद, जो इस सीट को निकाल लेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आ रही है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा सकती है। कसुम पत्ती की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी पीछे है, बीजेपी के सुरेश भारद्वाज बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, जयराम ठाकुर सरकार के शहरी विकास और कानून मंत्री है, मंत्री जी की साख दाव पर लगी हुई है, लेकिन वो फिलहाल पीछे नजर आ रही है, यानी इस सीट पर बीजेपी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस यहां पर जरूर हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुधांशु जी वो सीटें जो वीआईपी सीटें हैं, जयराम ठाकुर की सीट पर जयराम ठाकुर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं जिन पर कामकाज का पूरा जिम्मा था, जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं, सुरेश भारद्वाज पीछे हैं और कांग्रेस यहां पर उनसे लीड लेती हुई नजर आएगी। देखिए, सुरेश भारद्वाज जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं हिमाचल प्रदेश में, आपके एग्जिट पोल में यदि वो पीछे दिखाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का संकेत है, परंतु उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर कार्य भी किया और शिमला के साथ उनका एक निजी संबंध रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए उससे पहले बजाय कोई निष्कर्ष ड्रॉ करने। अच्छा, इससे पहले जो बात आपसे हो रही थी सुधांशु जी, जो बागियों वाला फैक्टर है वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है चुनाव में? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में कई लोगों के कार्यकर्ताओं के मन में चुनाव लड़ने का विचार होता है, और दूसरा थोड़ी सी एक परिस्थिति ये भी होती है जहां पर चुनाव क्षेत्र छोटे होते हैं वहां पर कई बार प्रत्याशी या जो लोग अपने को प्रत्याशी मानते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास 2-4 हज़ार लोगों का भी समर्थन है, 4-5 हज़ार लोगों का, तो वो एक प्रभावी समर्थन हो जाता है उन जगहों पर, इस कारण से ऐसी परिस्थिति आती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता आपने देखी होगी कि जब भी एक बार निर्णय हो जाता है तो हमारे सारे कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होकर पार्टी के निर्णय के साथ रहते हैं। अब इसके उपरांत भी यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो पार्टी में आपने देखा होगा कि हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं, पिछले 1980 से नहीं 1951 से अगर आप देख लें, जिस राजनीतिक दल में आज तक न कभी कोई वर्टिकल डिवीजन हुआ है और न कोई नेता जो छोड़ के गए, सबके सब वापस आ गए और कोई छोड़ के जाकर भाजपा से बड़ा भी नहीं बना है। तो भाजपा की, इसका कारण यह है कि भाजपा के विचारधारा, कार्यकर्ता और कैडर का एक इस प्रकार का व्यवस्थित स्वरूप है, जिस कारण से अंततः भाजपा के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता पार्टी के अनुसार ही आचरण करते हैं। जी ठीक। अच्छा, कुछ और सीटों की बात करें फिर आते हैं दोबारा मेहमानों पर। हिमाचल प्रदेश की एक और सीट है बंजार की सीट, वहां का एग्जिट पोल क्या कहता है आपको बता दें, बंजार की सीट पर हिमीराम, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बंजार में कांग्रेस पार्टी लीड कर सकती है, सीनियर लीडर है हिमीराम, ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी, इससे पहले आपने देखा सुरेश भारद्वाज की सीट थी कुसुमपति, वहां से भी कांग्रेस जो है वो बेहतर करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो इनफैक्ट एक किस्म की चुनौती दे रखी है बीजेपी को कि एक भी मंत्री बीजेपी का हिमाचल प्रदेश में नहीं जीतेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।